विधानसभा में नर्मदा में प्रदूषण और रेत के अवैध खनन का मुद्दा उठने के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण और रेत की लूट के हालात अफसोसजनक हैं। विवेक तन्खा ने कहा कि विधायक कांग्रेस के हों या बीजेपी के, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि कम से कम उन्होंने नर्मदा को बचाने की विधानसभा में खुलकर चर्चा तो की। इतना ही नहीं, विवेक तन्खा ने नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत भी बताई है। जिस तरह से उत्खनन गलत तरीके से हो रहा है, अब ज़्यादातर नर्मदा के तट पर हो रहा है, और जिस तरह से एक लूट मची है इन चीज़ों को लेके, तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है। दूसरा क्या होता है, हमारे देश में वो जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई गंदगी आप नदी में मत डालो, भाई ये नदी सबकी है। तो मेरा तो अपील है कि नर्मदा के अराउंड एक अवेयरनेस हो, कैंपेन होनी चाहिए। और हम, मुझे खुशी है अगर MLA सामने आए हैं, चाहे जिस पार्टी के भी हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी